टेरर फंडिंग मामले में एटीएस और लखीमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लखीमपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए 4 अपराधियों के पास से भारतीय और नेपाली मुद्रा भी बरामद की गई। इसके अलावा कई सेलफोन भी इनके कब्जे से बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों में 2 बरेली और 2 लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये 4 आरोपी विदेश से नेपाल की बैंकों में आने वाले धन को भारतीय मुद्रा में तब्दील कराते थे। इसके बाद ये लखीमपुर खीरी के रास्ते से उस पैसे को देश भर में भेजते थे। इस पैसे का उपयोग आतंकवादी घटनाओं में भी किया जाता था। 4 आरोपी रुपए को नेपाल से लखीमपुर ला रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं लखीमपुर पुलिस को मिली सफलता के बाद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने मामले को लेकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि एटीएस की टीम टेरर फंडिंग मामले में पूरी जांच करेगी। देखिए, नेपाल से मैंने कहा कि नेपाल में पैसा कहां से आता है, ये हमारे एटीएस की इन्वेस्टिगेशन का, इसीलिए हमने एटीएस को ये ट्रांसफर किया केस। अब एटीएस की टीम इसको इंटेंसिव वे में इसको देखेगी कि नेपाल में पैसा कहां से आ रहा है। जहां तक आपका वो है, मैंने 2 व्यक्तियों का जिक्र किया कि 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक विजय और दूसरा बुद्धा। ये दोनों पकड़े गए, ये दोनों नेपाली सिटीजन्स हैं और उनका लिंक हमारे यहाँ जो पकड़े गए हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो जो इंटरोगेशन, जो कॉमन इंटरोगेशन है, उस कॉमन इंटरोगेशन में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जो हम लोग जानते हैं, जो ऑन द रन है, मुमताज। तो हम उसकी तलाश करेंगे और उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी और साथ ही साथ इंटरोगेशन से और पुलिस कस्टडी रिमांड जब लेंगे तो उनसे जो सस्टेंड इंटरोगेशन होगा उससे भी हम सोर्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे। खातों में दिया जा रहा था और खातों से निकाल के फिर एक्सचेंज हो रहा था। पैसा फिजिकली हम लोगों ने पकड़ा, ये हमारा तीसरा है। वहीं डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि मामले को लेकर नेपाल सरकार से भी बातचीत की जाएगी और आरोपियों से मामले में पूछताछ होगी। हमारे ऑफिसर्स जो हैं नेपाल के अथॉरिटी से भी टच में, अभी अभी पता चलेगा, बाद में जब हम सोर्स पता लगा लेंगे तब पता चलेगा कि टेरर ग्रुप कौन सा है या कौन सा टेरर एक्टिविटीज। नहीं, लिंक निकला है, वो लिंक को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। ये करीब 1.5 साल से 2 साल से चल रहा है और क्या क्या अभी और आएगा डिटेल्स ही हम लोग इंट्रोगेशन से पता। नहीं, ये इंट्रोगेशन से पता चलेगा, ये सारा जब तक हम इंट्रोगेट नहीं करेंगे तब तक बताने में हम शेयर करेंगे आपसे अगर कुछ आएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी उमेद अली के कब्जे से 2 लाख नकद भारतीय मुद्रा, संजय अग्रवाल के कब्जे से 1,35,000 नेपाली मुद्रा, समीर सलमानी के पास से 1,50,000 भारतीय मुद्रा और अली के कब्जे से 1 लाख भारतीय मुद्रा बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले में लेकर 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लखीमपुर खीरी से शारिक खान और लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।